socialchannel.in। हेलो फ्रेंड्स, मैं TM आज बकवास करूंगा। यूट्यूब क्या है? मतलब सब ये सोचते हैं कि यूट्यूब क्या है, कोई चैनल है या मोबाइल है या मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन। तो यूट्यूब क्या है ये मैं बताऊंगा और उस पर बकवास करूंगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो या आप डायरेक्टर बनना चाहते हो या मीडिया में कुछ काम करना चाहते हो, अपने हिसाब से फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो यूट्यूब जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं एक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत सारे जगह पे ऑडिशंस दिए और मैं रिजेक्ट हो गया। यूट्यूब में आप अपनी चैनल चला के पॉपुलर भी हो सकते हो। कोई भी इंसान यूट्यूब के अंदर अपना चैनल चालू कर सकता है और कोई भी कैटेगरी का कर सकता है। सिर्फ उसको एक जीमेल अकाउंट ज़रूरत होती है। यूट्यूब एक डिजिटल वीडियो चैनल है जो वेबसाइट के थ्रू चलता है। 2006 में गूगल ने इसको ख़रीदा था और ये गूगल की प्रॉपर्टी है। तो यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड होता है उस पे सारे जो कॉपीराइट्स हैं वो गूगल के रहते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे कैटेगरी वाइज चैनल हैं, जैसे उसके अंदर आप म्यूज़िक कैटेगरी हो गया, फूड कैटेगरी हो गया, स्पोर्ट्स कैटेगरी हो गया, योगा हो गया है, फिल्म है, टेलीविज़न है, कोई भी प्रोग्राम, दुनिया की कोई भी कितनी भी सैटेलाइट चैनल के प्रोग्राम आप यूट्यूब के थ्रू उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें कहीं जाने की या DVD परचेस करने की या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली यूट्यूब पे मिल जाती है। मेट्रो सिटी यानी मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और भी बाहर की कंट्री के जितने मेट्रो सिटीज़ हैं वो सब जगह तो लोगों ने अपने केबल और DTH कनेक्शन कट कर लिया है और अपने स्मार्ट TV के थ्रू यूट्यूब की चैनल देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज यूट्यूब ज़्यादा आगे निकल रहा है। इंडिया के अंदर जितनी भी सैटेलाइट चैनल है, सपोज़ अगर हम कलर्स TV की बात करते हैं या सोनी TV की बात करते हैं या दूरदर्शन की बात करते हैं या कन्नड़, तमिल, कोई भी रीजनल प्रोग्राम ले लो, तो पहले हमें क्या होता है कि हमारी जो सीरियल है उसका हमें शार्प टाइम यानी 9 बजे का वो शो है तो हम 9 बजे TV के सामने बैठते थे। अब वो टाइम चले गया है, अब वो प्रोग्राम हम अपने टाइम पे कभी भी उसको हम देख सकते हैं। हालांकि कुछ चैनल बड़ी आ गई है, उन्होंने अपना एप्लीकेशन के थ्रू आपके टाइम पे वो देख सकते हैं, लेकिन उसमें इतना इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब डेटा ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बफरिंग का प्रॉब्लम है। यूट्यूब में वो सारा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कपिल शर्मा का शो हो या कलर्स का दूसरा कोई हो या CID आपको देखना हो या क्राइम पेट्रोल देखना हो या कोई भी सास बहू की सीरियल देखनी हो, तो आप यूट्यूब में कभी भी आपके टाइम पे देख सकते हो। उसके लिए आपको रात के 9 बजे TV के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी अपडेट है यूट्यूब के अंदर। तो यूट्यूब जो है एक बेस्ट ऑप्शन है देखने के लिए। दूसरा, यूट्यूब में बहुत से ऑप्शन ये है, कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हो तो आप अपने सिलेक्टेड सेलिब्रिटी है यानी आप किसी US की या जापान की आपको कोई चैनल देखनी हो, अगर आपको ज्वेलरी देखना हो या ज्वेलरी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ प्रोडक्ट परचेस करने से पहले जो हमें मैनुअल में पढ़ना पड़ता था वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम वीडियो के थ्रू उसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर यूट्यूब में चल रहा है तो 2 चीज़ें हैं। एक है रेसिपी। मुझे तो लगता है यूट्यूब जो है वो एक दिन अपना किचन करके एक नया चैनल खोल देगा। यूट्यूब रेड जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, वो US और अदर्स कंट्री में चालू किया है। अभी इंडिया में वो ऑप्शन चालू नहीं हुआ है। इंडिया में एक अच्छा ऑप्शन चालू किया है ऑफलाइन वीडियो, यानी जो भी वीडियो आपको पसंद है, चाहे वो फिल्म हो या म्यूज़िक हो या रेसिपी शो हो, कोई भी अगर आप वीडियो पसंद करते हो तो आप उसको ऑफलाइन में सेव कर सकते हो और आपके टाइम पे यानी आधी रात को या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कभी भी आपके पास इंटरनेट नहीं है या आपको टाइम पास करना है तो आप एनी टाइम सेव किया हुआ ऑफलाइन वीडियो देख सकते हो। मेरा ये बकवास शो जो है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बकवास कर रहा हूँ, मेरी इतनी बकवास लोग सुनेंगे, लेकिन जब मैं देखता हूँ और कमेंट्स मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बकवास में लोगों को मज़ा आ रहा है। socialchannel.in, India's first mobile channel. Miss call 8080-631-631.